पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का खुद का शमला अपने ही परख से उड़ा दी है, सिर्फ एक मामूली 120 रन का टारगेट नहीं बना पाया। एक बार फिर हम लोग हार गए, लेकिन इट्स ओके। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बॉलिंग में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बैटिंग का वक्त आया तो बस हाथ से ऐसे जीत निकली है। कोई भी जीते, हम भाई हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ ये थोड़ी मिस्टेक हुई कि उसने शुरू में जो है वो अग्रेसिव नहीं खेला और आखिर में जो था उसका एवेन्यू बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन पाकिस्तान शुरू में थोड़ा तेज खेलता और डेफिनेटली विन कर था पाकिस्तान। I feel very proud today. This is my first match live in a Houston area. Yes, that's the victory. It was very tight match, but in the end, we won. बस यही होता है जब आप शुरू में कैचअप नहीं करते ना, तो यही होता है। हमारी सारी तैयारियां तरी की तरी रह जाती है। पाकिस्तान की टीम को एक बहुत अच्छा ट्रेनर चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए यार। इतनी हमारी जबरदस्त टीम है, पता नहीं क्यों आखिर में हमें डिसअपॉइंट करके हम सुबह की नींदें बर्बाद करके यहाँ बैठे हुए हैं। और इट्स ओके, इट वॉज अ वेरी वेल प्लेड गेम फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन वो कोई बहुत ही आराम से मैच जीता जा सकता था जो इन्होंने शुरू के ढीलेपन की वजह से जो है ना लूज किया है। यस, बट यू नो व्हाट, पाकिस्तान इंडिया के मैच हमारे लिए हमेशा से एक जज्बातियत रखते हैं, है ना। इतनी जज्बाती होकर आते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के बगैर नाश्ता किए इधर आई थी। खैर अच्छा हुआ, वी हैड गुड टाइम। अल्लाह करे ये हमारी आवाज पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और उनको कम से कम ट्रेनर्स तो अच्छे लेने दे। सो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है, हार्दिक की बच्चा क्या हो सकती है? मुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, हमारी टीम हार गई है, हम लोग जीत रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए। इनको चाहिए, यू नो, दे नीड टू लाइक प्रैक्टिस मोर, बट इट वाज नेक्स्ट टाइम आई गेस। अगर आज हमको करना चाहिए तो उसकी कैप्टनसी थोड़ी फेल हो गई है। इंडिया ने आउटकास्ट कर दिया, उनकी बैटिंग ने भी प्रूव कर दिया, उनकी बॉलिंग ने भी प्रूव कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी थी लेकिन बैटिंग में दे कैन नेवर कंपीट विद इंडिया, सो दैट्स द रीजन। बाकी पाकिस्तान को टीम सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। टीम सिलेक्शन इट्स नॉट फॉर वर्ल्ड कप, ओके, इट्स जस्ट फॉर लाइक क्वालिफाई, नॉट फॉर वर्ल्ड कप। आप इस मैच के बारे में क्या फील करते हैं? First of all, I feel really happy because I'm from India. मैं खुश हूँ ज़्यादा because India की टीम finally जीत चुकी है। It was a really good experience over here, Lush Cafe पे first of all, because यहाँ पे ये मेरा पहला experience है managing this cafe for a while. And India Pakistan का match was something तो हर कोई waiting था इतने अरसे से, and they wanted to experience that feeling here in Lush Cafe. And alhamdulillah, as you were here, and I hope you recorded good highlights of the restaurant as well. The best part about this was every team, let it be the Indian crowd and let it be the Pakistani crowd, they were completely enjoying, and they were well respected for each other and cheering each other in a way where in a respectfully way, and that was the best highlight of the whole match having here in Lush Cafe. Thank you. कुछ देर पहले यहाँ पे इतना सारा शोर शराबा था, एक दूसरे को फैंस सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सन्नाटा छा गया। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।